स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बीजेपी पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने हमला किया है। बीजेपी को चुनाव के पहले ही स्ट्राइक की याद आती है, बात कही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने। 8 साल से सरकार, लेकिन बैन करने की याद तब आई। पूरी तरह इंटेलिजेंस फेलियर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बीजेपी जानबूझकर ऐसी चीजें रोक कर रखती है, ये बात कही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के सहयोग से बीजेपी डर गई है, ये बात कही विधायक पीसी शर्मा ने। देश भर में एनआईए की कार्रवाई के बाद पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। सरकार अपने आप का एक ही योग्य कदम बता रही है। और हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो पीसी शर्मा जी हैं मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है, कहा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी पीएफआई पिछले कई समय से। देखिए, ये ठीक किया, इनके पास इनकी इंटेलिजेंस के बाद खबर है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी, लेकिन इतना लेट क्यों, इतना डिलेट क्यों भाई? ये 8 साल से सरकार है, इतने दिनों से इसकी चर्चाएं चल रही थी, जो पहले करना था। इनका इंटेलिजेंस फेलियर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त वाला मामला है, चाहे मध्य प्रदेश हो या दिल्ली, ये सब चीज़ें ये रोक के रखते हैं। जब कोई चुनाव आता है तब इस तरह की कार्रवाई करते हैं। अब चुनाव गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, हालत खस्ता है। ऊपर से राहुल गांधी जी की पदयात्रा जिसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो पदयात्रा, इनके चीफ जो हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि हल्के में मत लो। तो ये सब जो पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ स्ट्राइक होना चाहिए, तो इसलिए ये किया गया। पहले करना था, इतना लेट क्यों, कितना नुकसान हो गया इससे? आपको क्या लगता है सिर्फ चुनाव के पहले ये स्ट्राइक की जाती है? ये निश्चित तौर पर जब भी कहीं कोई चुनाव होगा तो एक न एक कार्रवाई आपको हमेशा मिलेगी। सर, कहा जा रहा है कि बहुत ऐसी गतिविधियों में लिप्त मिले हैं, पाकिस्तान तक से कनेक्शन मिले हैं पूरे, काफी ज्यादा लेट कार्रवाई। ये तो लेट हुई। अरे भाई, ऐसे लोगों पकड़ो, फांसी पे टांगो। इंदिरा गांधी ने किया था ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा कुछ करो। ये केवल ध्यान बटाने वाली बात, जब चुनाव आए तो कार्रवाई कर दी, उसके बाद सब ठंडा, ये इनकी कमजोरी है। देखिए, यहाँ पर पीसी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया कि चुनाव को देखते हुए ही आमतौर पर ही कार्रवाई की जाती है, ध्यान भटकाने के लिए एक स्ट्राइक किया जाता है जिससे कि जनता के वोट जो है वो बीजेपी की सरकार जीत सके। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज 24 भोपाल।